हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में। और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ केक की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो मैंने सोचा कि मैं भी एक रेड वेलवेट केक बना लूँ, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। मेरी जो कलर थी वो शायद उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए प्रॉपर रेड कलर नहीं आया मेरे केक का। बट केक इतनी ज़बरदस्त बनी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप एक बार इसे पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस रेसिपी में, इस वीडियो में, मैं आपके वो छोटे छोटे सवाल होते हैं ना केक बनाते समय, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आती है ना, वो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूँगी। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, और देखिए केक कितना मॉइस्ट बना है, कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल मज़ेदार सा केक बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं रेड वेलवेट केक। बिल्कुल रेस्टोरेंट और कैफ़े की तरह केक बनकर तैयार होगी, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए पहले हम तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम केक टिन तैयार करेंगे। तो केक टिन तैयार करने के लिए थोड़ी सी रिफाइंड या बटर घी से आप इसे ग्रीस कर लीजिए, और फिर उसके ऊपर एक बटर पेपर लगा लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल मैदे से भी डस्ट करके आप केक टिन तैयार कर सकते हैं। दूसरा काम हमें ये करना है कि केक जिसमें बनाना है उसे पहले प्री हीट कर लेंगे। मैं यहाँ कुकर में बना रही हूँ। अब तीसरा काम, रेड वेलवेट केक बनाने के लिए हमें बटर मिल्क चाहिए। तो आप नॉर्मल बटर मिल्क मार्केट से भी ला सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी दूध ली है और उसमें 1 टीस्पून वेनेगर डाल लिया है। और ये देखिए हमारा बटर मिल्क बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे मैंने साइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में 1 कटोरी चीनी ले लेंगे। मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब उसमें हम डाल लेंगे 1/2 कटोरी रिफाइंड ऑयल, साथ ही 1/4 कप या कटोरी दही की डाल लेंगे। जो भी मेजरमेंट होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट रखेंगे ना, तो हमारा केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो मैं तो यहाँ मेजरमेंट कटोरी का जो माप है वो ले रही हूँ। आप चाहें तो घर की कोई भी कटोरी, कप, ग्लास को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ इन तीनों चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए। बहुत अच्छी क्रीमी इसका टेक्सचर जब हो जाएगा ना, तो ये बहुत अच्छा एयर जनरेट होता है इसे केक में, और केक बहुत ही फ्लफी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर हमने दूध, दही और बटर मिल्क दोनों डाला है। तो दोनों का डालने का कारण बस एक ही है, इससे केक जो है ना बहुत मॉइस्ट बनकर तैयार होगी और बहुत ही फ्लफी बनकर तैयार होगी। अब मैंने यहाँ पे डाली है वापस 1 चम्मच वनीला एसेंस, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे भी मिक्स कर लिया है, और वापस इसके ऊपर एक मैंने रख लिया है छलनी, और छलनी के ऊपर अब हम डाल लेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी मैदा लिया है। मैं वापस से मेजरमेंट वाली कटोरी से ले रही हूँ, मेजरमेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो घर की कटोरी या ग्लास से कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल लिया है बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सब चीज़ों को वापस से छलनी में छान लेंगे, जिससे कि केक पे अगेन बहुत अच्छा एयर जनरेट होगा। और जब केक को में मैदा, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उसे छान कर यूज़ करते हैं, तो एक बबल आती है केक में, एक एयर जनरेट होता है केक में। ये बिल्कुल ज़रूरी प्रोसेस है, तो ज़रूर कीजिएगा। अब इसी में हम यहाँ पे डाल लेंगे चॉकलेट पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल किया है। मुझसे यहाँ एक गलती हुई थी, आप यहाँ 1 ही चम्मच चॉकलेट पाउडर यूज़ कीजिएगा, तो आपके केक का कलर और भी खूबसूरत आएगा। अब इसे भी छान लेंगे, और छानने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमने बटर मिल्क बना करके रखा था, वो बटर मिल्क यहाँ पर धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, और बिल्कुल ही रिबन फ्लो जो होता है ना, वैसा हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। वो कंसिस्टेंसी में हमें केक का बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। ध्यान रखेंगे कि बैटर बनाते वक्त कभी भी एक साथ में ढेर सारा दूध नहीं डालेंगे। ऐसा करने से हो सकता है कि आपका बैटर बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जितना ज़रूरत हो उतना ही हम दूध इसमें ऐड करते जाएंगे, और बिल्कुल परफेक्ट सा केक का बैटर हमारा बन जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी केक के बैटर को हम मिक्स करें तो बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करेंगे, और साथ ही एक तरफ ही हम उसे मिक्स करेंगे। अगर हम राइट तरफ से मिक्स कर रहे हैं तो राइट की तरफ ही मिक्स करेंगे, अगर लेफ्ट की तरफ मिक्स कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ ही मिक्स करेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर डाल लिया है, तो मेरा कलर थोड़ा सा डिफेक्टिव निकल गया, मेरा कलर से बहुत अच्छा केक का कलर नहीं आया। आप बहुत अच्छे ब्रांड का ही केक का कलर यूज़ कीजिएगा, और अगर जेल कलर मिल जाए तो उसे यूज़ कीजिएगा। अब हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारे बैटर को यहाँ पर केक
एक टिन में मैंने डाल लिया है। और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डालने के बाद एक बार हम केक टिन को टैप ज़रूर कर लेंगे। इससे होगा ये कि जो भी हम केक डालते वक्त जो भी एयर जम बनी होगी ना बर्तन में, वो बिल्कुल निकल जाएगी और हमारे केक के अंदर कोई भी एयर नहीं बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट केक बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए, हमने जो पहले से ही कुकर को प्रीहीट करके रखा था उसमें हम डाल देंगे हमारा केक का बैटर। केक का बैटर डालते वक्त एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि केक के टिन में केक बैटर आधे से नीचे तक ही रहे या फिर आधे तक रहे, उसे ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब यहाँ पर मैंने ढक्कन बंद कर दिया है और ढक्कन बंद करके करीब 35 से 40 मिनट तक केक को बेक होने देंगे। ये देखिए, करीब 38 मिनट हो चुके हैं। अब मेरा केक जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुका है और नाइफ इंसर्ट करके मैंने देख लिया है केक बन गया है। तो अब मैंने यहाँ पर गैस फ्लेम ऑफ कर दिया है और केक को बाहर निकल लिया है। केक को यहाँ पर क्या करेंगे, ढक कर रखेंगे किसी भी कॉटन के कपड़े से। ढक के रखने से केक जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगी। अब जब तक कि केक ठंडा हो रहा है, हम केक की आइसिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है क्रीम चीज़। तो मैंने यहाँ पे घर पे बनी हुई आधी कटोरी क्रीम चीज़ ले ली है और इसके साथ ही मैंने ले लिया है 1/4 चीनी का पाउडर, जो नॉर्मली चीनी को मैंने मिक्सी में डाल लिया था और पीस कर चीनी का पाउडर तैयार कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमें मिक्स करना है। इसे हम इतने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल अच्छा सा क्रीमी सा इसका फॉर्म आ जाए। तो ये देखिए, अब इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। चीज़ को कभी भी बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं, यानी कि ओवर मिक्स नहीं करते हैं। नहीं तो क्या होगा ना, अगर इसे हम ओवर मिक्स करेंगे तो ये तुरंत ही फटने का डर रहता है। ये अलग अलग हो जाएगी, मतलब इससे बटर बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हल्के हाथों से चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, क्रीम चीज़ हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब हम हमारी दूसरी आइसिंग तैयार करेंगे, यानी कि व्हिप्ड क्रीम। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल चिल्ड बाउल ले ली है। कभी भी हम जब क्रीम व्हिप्ड क्रीम को व्हिप करें, उसके लिए क्रीम भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और बर्तन जो है ना वो भी बहुत ठंडा हो, तो बहुत अच्छी से बहुत अच्छे तरीके से क्रीम जो है वो व्हिप्ड हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे विस्कर से या फिर स्पून से भी कर सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा बट उससे भी हो जाएगा। पर मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है ताकि ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाए। अब इस व्हिप्ड क्रीम को हमें तब तक व्हिप करना है जब तक कि बहुत स्टिफ पीक्स इस पर आ ना जाए। व्हिप्ड क्रीम हमें मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी और साथ ही इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है। आप अमूल क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें फैट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। व्हिप्ड क्रीम तभी व्हिप होगी या तभी परफेक्ट बनेगी जब इसमें कम से कम 30% फैट होगी। अब देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से व्हिप्ड हो चुकी है, इतनी अच्छी तरीके से कि हमने बाउल को बिल्कुल उल्टा कर दिया है और फिर भी क्रीम इसमें से नहीं गिर रही है। तो इसे हमें तब तक बीट करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो क्रीम चीज़ बना करके रखा था ना, उसमें हमें इस क्रीम को ऐड करना है। तो एक बार में तो नहीं ऐड हो पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्रीम को चीज़ क्रीम में ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पहले 2 स्पैचुला लिया है और इसे हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। अगेन, हम इसे बहुत तेज या फिर बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें से चीज़ में से जो है ना फैट वो बिल्कुल अलग हो सकती है। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे मिलाना होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से मैंने सारे चीज़ क्रीम को व्हिप्ड क्रीम के साथ मिक्स कर लिया है और हमारी आइसिंग अब बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम नाइफ़ को एक बार चारों तरफ से घुमाएंगे और इस तरीके से पलट कर थोड़ा सा टैप करेंगे तो हमारा केक बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, हमारा केक बिल्कुल निकल चुका है, बिल्कुल क्लीन निकला है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको यहाँ पर धीरे से निकाल लेंगे। हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और कितनी परफेक्ट इसमें जाल बनी है, कितने फ्लफी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखलाती हूँ। और ये हमने जो बटर मिल्क और दही डाली थी ना, ये उसका कमाल है, ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो अब हम क्या करेंगे, केक के जो ऊपर का जो पोर्शन, जो अनइवन सा पोर्शन है, जो कि थोड़ा सा क्रैक्स जिस पे आ चुके हैं, उसको हम नाइफ़ की हेल्प से बिल्कुल कट करके निकाल लेंगे। पर ये वेस्ट नहीं होगा, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसे निकाल कर साइड में रख लेंगे। आप देख सकते हैं, इस पे कलर आए हैं, पर वो थोड़ी सी मरूनिश कलर आई है। वो रेड वेलवेट का जो रेड कलर होता है बिल्कुल ब्राइट सा, वो कलर इसमें बिल्कुल भी नहीं आया है। पर कोई नहीं,
आप अच्छे जेल कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके केक का कलर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो मैंने तीन हिस्से में केक को बिल्कुल डिवाइड कर लिया है, कट कर लिया है। अगर आपको केक को कट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप क्या करें, एक निशान बना लें केक के चारों तरफ से और फिर इसे कट करें, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट जाएगी। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है केक स्टैंड या केक बोर्ड, जो भी आपके पास हो। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप चकले के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाकर अच्छे तरीके से इसे आइसिंग कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ रख लिया है एक पार्ट केक का, मैंने सबसे ऊपर जो पार्ट था उसे सबसे नीचे रखा है। और अब यहाँ पे शुगर सिरप हमने ले लिया है। शुगर सिरप में कुछ भी नहीं है, एक चम्मच आइसिंग शुगर है और थोड़ी सी गुनगुने पानी में इसे मैंने मिक्स कर लिया है और इसे केक पर अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ऐसा करने से केक में अच्छा मॉइस्ट आता है। अब हमने जो आइसिंग तैयार की थी उसमें से क्रीम लेकर इसके ऊपर अच्छा सा क्रीम हम फैला लेंगे। क्रीम को हमें अच्छे तरीके से फैलाना है ताकि वो बिल्कुल इवन तरीके से चारों तरफ फैल जाए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से फैल गई है और अगर ये साइड्स में भी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरीके से हमें तीनों लेयर में क्रीम लगानी है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा लेयर ले लिया है और उसे भी सेम प्रोसेस से सिरप से पहले मॉइस्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर वापस से एक लेयर क्रीम की लगाकर इसे ढक देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम तीनों लेयर को क्रीम से ढक देंगे। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी हो गया है और थर्ड पार्ट को भी मैंने अच्छी तरीके से सिरप से मॉइस्ट किया और फिर क्रीम लगा ली। अब क्रीम यहाँ पे हमें सिर्फ ऊपर नहीं लगानी है, पूरे चारों तरफ से हम यहाँ पे क्रीम लगा लेंगे जिससे कि केक सजाने में बिल्कुल अच्छी लगे, देखने में जैसा भी आपको मन हो सजा सकते हैं। पर इस तरीके से मैं सजाया है मैंने वो आपको दिखला रही हूँ। मैं चारों तरफ से मैंने इसे क्रीम से ढक दिया था और अब हम क्या करेंगे, जब अच्छी चारों तरफ से बिल्कुल इवन हो जाए, आप चाहें तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रैपर हो तो स्क्रैपर के हेल्प से या फिर स्पून से, जैसा भी आप चाहें वैसा इसे क्रीम से बिल्कुल कवर कर लीजिए बिल्कुल इवन तरीके से। तो देखिए यहाँ पर क्रीम तो हमने लगा लिया है पर ये थोड़ी सी अनइवन है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। अगर ये थोड़ी सी अनइवन भी रहेगी ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके ऊपर अभी हम एक और चीज़ करने वाले हैं जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सज कर तैयार हो जाएगी और क्रीम जो है वो इवन है या अनइवन है बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। तो ये देखिए हमने जो केक का ऊपरी हिस्सा काट कर हटाया था ना, जो थोड़ा सा रफ था, थोड़े से जिसमें क्रैक्स थे, तो वो वाला हिस्सा हमने बिल्कुल हाथों से स्क्रैप कर लिया, तोड़ लिया है और उससे अब हम इस केक को सजाएंगे। आप अपने हिसाब से जैसा भी मन हो वैसे सजा सकते हैं पर मैं इसे थोड़ा सा सिंपल रखना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा इसे एक्स्ट्रा से नहीं सजाना चाहती हूँ। तो बस वो जो हमने स्क्रैप निकाले थे उससे इसे चारों तरफ से सजा देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल लगा दिया है मैंने और अब क्या करेंगे, मैंने थोड़ा सा एक जुगाड़ लगाया है। मेरे पास पाइपिंग बैग्स जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे तो मैंने क्या किया, दूध की थैली में क्रीम फिल किया और कोन बनाकर इस तरीके से इसे सजा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि हम देसी जुगाड़ से भी केक बनाकर तैयार कर सकते हैं, आप भी ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। बस देखिए हमारा केक बिल्कुल सजकर तैयार हो गया ना, कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने पाइपिंग बैग का यूज़ नहीं किया है। तो अब लास्ट में थोड़ी सी और यहाँ पे केक के कुछ बच गए थे तो उसे मैंने बीच में यहाँ पर डाल लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पे रेड हर्ट या फिर चॉकलेट बॉल्स जैसा भी आप चाहें इसे सजा सकते हैं। फिर थोड़े से गोल्डन बॉल्स थे मेरे पास तो मैंने वो भी इसके ऊपर डाल दिए हैं। मैंने अपने हिसाब से जितना आसान तरीके से चाहा सजा लिया, आप अपने हिसाब से इसे सजाइए और अपने वैलेंटाइन को ये सरप्राइज़ गिफ्ट ज़रूर दीजिए, बनाकर खिलाइए अपने हाथों से केक। मुझे लगता है कि मैंने केक बनाने के लिए बिल्कुल जितने भी छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स होने चाहिए, जो छोटी छोटी चीज़ें अक्सर हम मिस कर जाते हैं केक बनाते वक्त, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है। मैंने कोशिश की है कि कुछ भी छूटे नहीं जिससे कि आपका भी केक जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बन पाए। तो देखिए केक तो कंप्लीट हो गया है और इसे और थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए जितने भी अनइवन पार्ट्स हैं साइड में थोड़े से बिखरे हुए केक हैं तो उसको क्या करें, आप एक टिश्यू पेपर की हेल्प से इसे हटा दें और बिल्कुल केक आपका परफेक्टली डन हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि रेस्टोरेंट और होटल या फिर किसी कैफ़े से भी अच्छी केक होगी, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि इसमें आपका मेहनत छुपा है, इसमें आपका प्यार छुपा है। तो अगर मेरी वीडियो या मेरी रेसिपी या मेरा मेहनत आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूँ केक बनाने में तो अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स मुझसे हुई होंगी तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। और केक कैसा लगा
वो भी मुझे ज़रूर बतलाइएगा। तो मैं आपको कट करके दिखलाती हूँ कि केक अंदर से कैसा दिख रहा है। मैंने जो कोशिश की है वैसा केक बना है या नहीं बना है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया और साथ ही मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी, मेरे हस्बैंड को इनफैक्ट बहुत पसंद आया था। तो अगर आपको भी मैं केक अच्छी लगी हूँ तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो और एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।